हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले आप लोगों ने कमेंट किया कि जो आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड किए, लिंक दिए हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मेरा चैनल है पीसी इंस्टीट्यूट, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर सारा नोट्स आपको प्रोवाइड एक दो दिन में कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टॉप फ्लोर हमेशा खाली ही रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। इस टाइप से यहां पे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पे हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन है कहां से। यह क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी में से दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। कौन कौन? एक था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव और एक था एडिशन ऑफ अल्कोहल। उसी दो टॉपिक से ये सारा क्वेश्चन है। आपको अगर सारा डिटेल में समझना है तो मेरा जो लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 5, वो कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आप वहां से पूरा डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो टॉपिक था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उससे देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। उसे पहले समझते हैं हम किस प्लेस का बात कर रहे हैं, कहां से दिया हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी का पेज, उसी से ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। समझिए, जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन एक जनरल फॉर्म में बात करें, कार्बोनिल ग्रुप, चलिए कुछ कंसेप्ट को पहले समझते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर यहाँ पे HH होगा तो एल्डिहाइड होगा, RH होगा तो फिर भी एल्डिहाइड, और RR होगा तो क्या होगा, कीटोन होगा। इसका हम लोग ऐड करते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, इसे हम लिखते हैं H2NH, और इसी H के प्लेस पे अगर कुछ भी रहे Z के प्लेस पे, जेड मतलब यहाँ पे OH हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। दैट मींस ये जनरल फॉर्म है, तो होता क्या रिएक्शन में, यहाँ पे आएगा H2N और जेड के प्लेस पे अलग अलग कंपाउंड होगा। ये जब रिएक्शन करता है तो यहां से वाटर मोलिक्यूल बाहर जाता है, क्या जाता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर जाता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट होगा, N और Z, यही है ड्राइव्ड मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट किसका, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल डिहाइड। दैट मीन्स यहां पे हम लोग को बेंजल डिहाइड में रिएक्शन किससे कराना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है, बेंजल डिहाइड है, ये क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जब ये प्रोडक्ट देता है तब बनता है हाइड्राजोन। हम लोग करते क्या, देखिए कार्बोनिल ग्रुप जहां पे C डबल बॉन्ड हो उससे और H2N से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो यहां पे देखिए H2N और ये मेरा सारा किसके प्लेस पे है, Z के प्लेस पे, किसके प्लेस पे, Z के प्लेस पे, तो होगा यहां पे क्या, ये H2O यहां से बाहर जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजल डिहाइड है उसे बनाते हैं हम पहले, यहां पे क्या है, सी एच डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट होगा, एन से, एन फिर क्या है, एन एच, अब यहां पे बेंजीन है और टू और फोर पोजिशन पे क्या है, एनओ टू है, तो इसी का नाम क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, या पूरा इसका नाम बोल सकते हैं बेंजल डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपोनोन ऑक्साइम। तो फिर से वही बात, ऑक्साइम कब होता है, तो देखिए साइक्लोप्रोपानोन, चलिए बनाते हैं हम लोग थ्री कार्बन का साइक्लोप्रोपानोन, आप इसे अच्छे से बना सकते हैं,
क्या है? साइक्लोप्रोपानोन। ये मेरा क्या हो गया? साइक्लोप्रोपानोन। किससे रिएक्शन कर रहा है? प्रोडक्ट क्या दे रहा? ऑक्सैम। तो ऑक्सैम कब प्रोडक्ट देता है? तो फिर से वही बात, H2N और Z के जगह पे जब OH होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन। अब देखिए क्या बताया आपको कि यहां से H2O मॉलिक्यूल को आप बाहर कर दीजिए, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना? प्रोपोनोन है, प्रोपोनोन बनाइए। डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट है? N से, और यहां पे क्या है? OH। तो जब हाइड्रोक्साइल एमीन से प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम बोलते हैं। यानी जेड के प्लस पे मेरा क्या है? OH है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे टॉपिक से, एडिशन ऑफ एल्कोहल से। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या है? सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटानोन। तो सबसे पहले ये था क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बनाते हैं साइक्लोब्यूटानोन। साइक्लोब्यूटानोन, साइक्लोब्यूटानोन किससे रिएक्शन कर रहा है? यहां पे देखिए सेमी कार्बाजोन, तो ये प्रोडक्ट का नाम है। तो H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये मेरा होता है सेमी कार्बाजाइड। कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो अब देखें यहां पे, देखिए Z के प्लेस पे ये सारा ग्रुप है मेरा H2N, तो फिर से यहां पे क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाता है। तो प्रोडक्ट क्या देगा? ये डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट होगा? N से, N NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसी का नाम क्या है? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो इस टाइप से देखिए जब सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। तो ये 1, 2 और ये 3 नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से। रेस्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ एल्कोहल से, पहले आप इसे नोट कीजिए। रेस्ट क्वेश्चन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड में जब हम लोग वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल को ऐड करते हैं तो कहलाता है हेमी एसिटल। उसी एल्डिहाइड में जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा? एसिटल कहलाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान दीजिए। चलिए एल्डिहाइड लेते हैं जनरल फॉर्म में, आर एच सी डबल बॉन्ड ओ। एक मॉलिक्यूल एल्कोहल को आप ऐड कीजिए, आर ओ एच। देखिए बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ये जो रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में, अब देखिए होगा क्या? इस पर पॉजिटिव है तो कौन आएगा? ओ आर निगेटिव आएगा, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? आर सी। स्टेप से चलिए एच यहां पर लिख देते हैं, इस वाले एच को यहां पर लिखे, आर यहां लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन पे पॉजिटिव तो यहां पर आएगा O R, और देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो यहां पे क्या आएगा? O H आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल एल्कोहल को ऐड किए, फर्दर अगर हम यहां पे एक और एल्कोहल को ऐड कर दें तो फिर से यहां से ब्रेक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? सी आर H, तो फिर से पॉजिटिव। देखिए यहां पे क्या आएगा? ओ आर आएगा, ये एक ओ आर और यहां पे पहले से था ओ आर, ये कहलाता है एसिटल। क्या कहलाता है? एसिटल। तो हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल एल्कोहल को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। 2 मॉलिक्यूल को ऐड किए तो एसिटल, या फिर एक ओ आर प्रेजेंट है तो हेमी एसिटल, 2 ओ आर प्रेजेंट है तो एसिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या लिखा है? द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल डिहाइड। क्या बात किया है? हेमी एसिटल, किसमें? फॉर्मल डिहाइड यानी एल्डिहाइड है, तो ये मेरा देखिए एक कार्बन का, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल डिहाइड। अब यहां पे देखिए क्या बोला है, मिथाइल हेमी एसिटल, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप बोला है तो आर के जगह पे क्या होगा? CH3 होगा, तभी तो बनेगा मिथाइल हेमी एसिटल। तो जो आप यहां पे किए उसी काम को कीजिए, क्या किए हम लोग? ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए सी एच एच,
कार्बन पे पॉजिटिव है तो क्या आएगा, OCH3, तो यहां पे लिखते हैं OCH3। और देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो इसके पास H आएगा, तो यहां पे क्या होगा OH। तो ये जो मेरा बना इसी को हम बोल रहे हैं मिथाइल हेमी एसिटल। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या एसिटल बिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, समझिए। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, डाइमिथाइल एसिटल यानी 2 मॉलिक्यूल ले रहा है अल्कोहल का, किसमें करना है, एसिटल डिहाइड में। तो चलिए एसिटल डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा क्या है एसिटल डिहाइड। क्या करना है, डाइमिथाइल एसिटल यानी 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल को ऐड करना है। तो चलिए CH3OH, ये इस डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए क्या बना सी, चलिए इधर हम लिखते हैं CH3 और ये इस H को यहां पे लिख रहे हैं H। अब यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आएगा OCH3, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो H आएगा, ये क्या हुआ OH। ये क्या कहलाता, ये मेरा कहलाता एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल नहीं मिथाइल या फिर हेमी एसिटल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को ऐड किए, लेकिन इसने क्या बोला है डाइमिथाइल, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। तो एक और CH3OH को आप यहां पे ऐड कीजिए, फिर से वही बात है, इस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से ब्रेक होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना CH3H, यहां पे क्या है OCH3, और फिर से देखिए इसमें पॉजिटिव आएगा तो यहां पे क्या आएगा OCH3, हम साइड प्रोडक्ट को नहीं लिख रहे हैं। तो ये मेरा क्या हुआ एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। तो कंसेप्ट क्लियर है, देखिए आप सॉल्यूशन कहीं देखिएगा तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आपको मिला हुआ, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा वहां पे, तो ये नहीं, ये बन कैसे रहा ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है आपको ये समझना होगा। तो यहां पे अभी जो हम लोग सॉल्व किए इसमें हम क्या देखें कि अगर एल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोले एसिटल बोले, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में अगर अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं एसिटल बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सेन 3-ON। तो अब आता है कि केटल या फिर बहुत कोई से किटल भी बोलते हैं, तो किटल का फॉर्मेशन कब होता है, तो यहां पे समझिए अगर हम लोग कीटोन में इथाइलिन ग्लाइकोल या कीटोन में अल्कोहल को ऐड करते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं केटल बोलते हैं। जनरल में पहले समझते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर आर, ये मेरा क्या है कीटोन है, क्या है कीटोन। अब हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल CH3OH, समझिए अगर यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दें तब जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बनेगा, ध्यान दीजिए एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है आर आर, यहां पे किससे ये कनेक्ट हो कार्बन ऑक्सीजन से ओ CH3, ये तो फर्स्ट बॉन्ड पहले से था CH3OR, ये मेरा कहलाता है केटल, क्या कहलाता है केटल कहलाता है, यानी कीटोन में अल्कोहल को ऐड करना क्या कहलाएगा केटल कहलाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सेन 3-ON, यानी कीटोन के जगह पे क्या है हेक्सेन 3-ON। चलिए बनाते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड 1-2-3 पे कीटोन CH2CH2CH3 1-2-3-4-5-6, तो ये मेरा क्या है हेक्सेन 3-ON, किससे रिएक्शन करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल से, चलिए रिएक्शन कराते हैं HOCH3CH3OH, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ नहीं करना है यहां से हम लोग को, फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2C, यहां पे क्या है CH2CH2CH3, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ OCH3CH3, फिर यहां पे O और ये बना कनेक्ट हुआ, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं इथाइलिन केटल।
इथाइलीन केटल। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट छिपा था वो भी हम लोग देखें। तो हम लोग कंप्लीट किए एक्सरसाइज का 12.5। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।